रिसेंटली खबर आई थी कि भारत अमेरिका के साथ 30 MQ-9B आर्म ड्रोन्स की एक डील साइन करने वाला है। 30 MQ-9B ड्रोन्स के लिए अमेरिका भारत से $3 बिलियन की डिमांड कर रहा था, जो कि इंडियन करेंसी में तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए के आसपास होते हैं, और ये वाकई में बहुत ही बड़ी रकम है। दोनों देशों के बीच में ये ड्रोन्स की डील कुछ कारणों से साइन नहीं हो पा रही है, जिनको फिलहाल के लिए पब्लिक नहीं किया गया है। लेकिन सोर्सेस का कहना है कि भारत चाहता है कि अमेरिका ड्रोन के प्राइसेस थोड़े और कम करे, जिसके ऊपर अमेरिका फिलहाल नहीं मान रहा है। अमेरिका के साथ नेगोशिएशंस अभी भी चल रही हैं और बड़ी हद तक पॉसिबल है कि चाइना के साथ चलते बॉर्डर डिस्प्यूट्स को देखते हुए भारत इस बार अमेरिका से सेम इसी $3 बिलियन के प्राइस के ऊपर ये 30 MQ-9B ड्रोन्स परचेज भी कर ले। लेकिन फ्यूचर में हम दोबारा कभी अमेरिका से ड्रोन्स परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि DRDO को अपने इंडिजीनियस यानी स्वदेशी ड्रोन प्रोग्राम में अब तक की सबसे बड़ी सफलता हाथ लग गई है, जिसके बाद अगले स्टेप में हम पूरे स्वदेशी तरीके से मेड इन इंडिया आर्म ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करने के एक और स्टेप क्लोज आ गए हैं, जिसके बाद हमें दोबारा फिर कभी भी अमेरिका की शर्तों के ऊपर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी उनसे ड्रोन्स परचेज करने की जरूरत कभी नहीं पड़ने वाली है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द हिंदू के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत का रुस्तम 2 ड्रोन जिसको DRDO डेवलप कर रहा है वो फाइनल स्टेजेस में पहुंच गया है। दरअसल पिछले साल रुस्तम 2 ड्रोन ने टेस्टिंग के दौरान 16,000 फीट की हाइट को टच करते हुए लगातार 8 घंटे तक उड़ान भरी थी। लेकिन DRDO के चेयरमैन सतीश रेड्डी सर ने खुशखबरी दी है कि इस साल DRDO को स्वदेशी रुस्तम 2 ड्रोन प्रोग्राम में बहुत ही बड़ी सफलता हाथ लग गई है, क्योंकि रुस्तम 2 ड्रोन ने रिसेंटली टेस्टिंग के दौरान 25,000 फीट को टच करते हुए लगातार 10 घंटे तक की उड़ान भरी है। इसी के साथ डॉक्टर टेसी थॉमस, जो कि DRDO के एरोनॉटिक्स विंग के डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने ये भी बताया कि अगले 2 महीने के अंदर रुस्तम 2 ड्रोन 30,000 की फीट की हाइट के ऊपर लगातार 18 घंटे तक उड़ान भरने के लिए पूरी तरह रेडी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि रुस्तम 2 ड्रोन कई सारी एडवांस कैपेबिलिटी से लैस है, जो कि सेना के तीनों अंगों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। डॉक्टर टेसी थॉमस के मुताबिक अगले 2 महीने के अंदर DRDO अपने रुस्तम 2 ड्रोन की कैपेबिलिटीज ट्राई सर्विसेज यानी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के सामने शोकेस करने वाला है, जिसके बाद रुस्तम 2 ड्रोन को आर्म्ड फोर्सेस को हैंडओवर कर दिया जाएगा। रुस्तम 2 ड्रोन की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये दिन और रात दोनों कंडीशंस में मल्टी मिशन ऑपरेशंस करने के लिए कैपेबल है और अपने साथ 350 kg तक का पेलोड लेने में भी सक्षम है। इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस, सिंथेटिक अपर्चर रडार, मैरिटाइम पेट्रोल रडार, मीडियम और लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स फिट किए जाएंगे। रुस्तम 2 ड्रोन की मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो ये 225 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर फ्लाई कर सकता है, जबकि इसकी ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो वो तकरीबन 250 किलोमीटर तक की है। खुशी की बात यह है कि रुस्तम 2 ड्रोन अब फाइनली फाइनल स्टेजेस में पहुंच गया है, जिसका मतलब है कि इसके प्रोटोटाइप के बाद इसकी सीरियल प्रोडक्शन बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है, यानी कि फ्यूचर में हमको एटलीस्ट सर्विलांस एंड रिकंसेंस ट्रांस के लिए अमेरिका या इसराइल से ड्रोन्स परचेज नहीं करने पड़ेंगे। इससे कई सारे बिलियन डॉलर्स भारत से बाहर जाने से तो बचेंगे, लेकिन हम अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल खुद की मर्जी से भी किसी भी देश के खिलाफ कर सकेंगे, क्योंकि ये तो सबको पता है कि अमेरिका अपने हथियार बेचने के साथ साथ हथियार खरीदने वाले देश को कुछ देशों की लिस्ट भी साथ में दे देता है, जिनके ऊपर वो फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। खैर, DRDO ने हमको एक बार फिर से उसके ऊपर गर्व करने का मौका दे दिया है। थैंक्स टू DRDO।